हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो लेकर वापस। और आज हम बात करेंगे आखिर क्यों डिस्कवरी किड्स वालों ने कांस का न्यू एपिसोड टेलीकास्ट नहीं किया। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप सबको तो पता ही है 14th और 15th अक्टूबर से कांस शुरू हुआ है डिस्कवरी किड्स पर, लेकिन हमें न्यू एपिसोड देखने को नहीं मिला है। हमें सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड डार्क 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 स्टोन, सेकेंड एपिसोड स्पेस सेंटर में अटैक, थर्ड एपिसोड टाइम क्या हुआ, फोर्थ एपिसोड ब्रेक द स्नेक, फिफ्थ एपिसोड स्नेक चोर, सिक्स्थ एपिसोड फुटबॉल मैच, सेवेंथ एपिसोड स्नेक वर्सेस मंगूस, एट्थ एपिसोड इनविजिबल एनिमी और नाइन्थ एपिसोड साइंस साइंस साइंस, ये सब एपिसोड्स ही देखने को मिला है। तो अब हम बात करते हैं आखिर डिस्कवरी किड्स वालों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनको पता है काफ़ी सारे नए ऑडियंस भी रहेंगे, अगर उन्हें न्यू एपिसोड दिखाएगा तो कैरेक्टर को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए ये लोग पहले से ही अब तक जितने मूवी और एपिसोड्स आए हैं सब टेलीकास्ट करेगा, उसके बाद ही न्यू एपिसोड टेलीकास्ट करेगा। और ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने खुद सीजन 3 और सीजन 4 के काफ़ी सारे एपिसोड्स मिस कर दी थी, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमें एक बार फिर से सारे एपिसोड्स दोबारा देखने का मौका मिलेगा। और हाँ, मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग भी बहुत सारे एपिसोड्स को मिस कर चुके होंगे। और एकांश डिस्कवरी किड्स पर आते ही एकांश ओरिजिन स्टोरी का भी डेट रिलीज कर दिया, 14th अक्टूबर ट्वेस्डे 2:30 PM ओनली ऑन डिस्कवरी किड्स। और इसके बाद जब एकांश के सारे मूवी टेलीकास्ट हो जाएगा तब न्यू मूवी आने का भी चांस है। एकांश अब हफ्ते में 2 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, सैटरडे और संडे को, लेकिन एक मंथ से ज़्यादा टेलीकास्ट होने के बाद एकांश मंडे टू फ्राइडे आएगा, ये 100% कन्फर्म है। अब हमें बस देखना है और भर भर के TRP देना है, तभी हमें फ्यूचर में न्यू एपिसोड्स और न्यू मूवीज देखने को मिलेगा। पुराने एपिसोड हुआ तो क्या हुआ, फिर भी हमें देखना होगा, अगर एकांश शो को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो न्यू एपिसोड्स और न्यू मूवीज कैसे आएगा। इसीलिए सपोर्ट करो और इन्जॉय करो। और हाँ, मैं ये सारा एपिसोड टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जाके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।